जब बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को जंजीरों से बांध दिया तो हनुमान जी ने उनको किस तरीके से बचाया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी आज मैं आपको अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाने जा रही हूँ, आइए मेरे साथ सुनिए। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर भारत के विदेशी तुर्क मुगल बादशाह अकबर के शासन क्षेत्र में रहा करते थे। एक बार अकबर को ये पता चला कि तुलसीदास जी ने किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया है। यह सुनकर उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने बीरबल से इस बारे में पूछा। बीरबल ने बताया कि उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, वे एक पहुंचे हुए कवि हैं। यह सुनकर बादशाह ने तुलसीदास जी को अपने सामने हाजिर होने का फरमान भेजा। अकबर के सैनिकों ने तुलसीदास जी के पास जाकर कहा कि बादशाह ने तुम्हें हाजिर होने को कहा है। तुलसीदास जी ने कहा, मेरे तो एक ही बादशाह है, प्रभु श्री राम। मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे किसी बादशाह या फिर लाल किले से क्या लेना देना। तुलसीदास जी ने वहां जाने से साफ साफ मना कर दिया। यह जब बात बादशाह को पता चली तो उन्होंने तुलसीदास जी को बंदी बनाकर उनके सामने पेश होने को कहा। तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने कहा, मैं बादशाह हूँ और तुम्हें नहीं मालूम कि एक बादशाह के सामने सिर झुकाकर खड़े रहना होता है। यह सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, मेरा सिर तो मेरे प्रभु श्री राम के सामने ही झुकता है, क्योंकि वे ही तीनों जहां के मालिक हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर और क्रोधित हो गया और उसने कहा, हम चाहे तो अभी तुम्हारा सिर कलम कर सकते हैं या तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल सकते हैं। देखते हैं कि फिर तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें कैसे बचाते हैं। इस पर तुलसीदास जी ने कहा, मेरे प्रभु श्री राम को मुझे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो बहुत छोटा सा काम है। यह काम तो प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी ही कर देंगे। यह सुनकर अकबर और भी क्रोधित होकर बोला, सिपाहियों, इस दुष्ट को कारागार में डाल दो। यह सुनकर जंजीर में जकड़े तुलसीदास जी को सैनिक जंजीरों से खींचने लगे और तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और उनके मुख से हनुमान चालीसा निकलने लगी। अकबर ने पूछा, ये क्या बोल रहा है? तब बीरबल ने कहा कि यह हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे कि तभी थोड़ी देर में वहां पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले को देखकर सारे सैनिक घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। अकबर को भी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर गलियारे में भागना पड़ा। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये अचानक इतने सारे बंदर यहाँ पर कैसे आ गए? तब बीरबल ने कहा कि महाराज, ये वानर सेना है, तुलसीदास जी की रक्षा के लिए आई है। आप इन बंदरों का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक हम तुलसीदास जी से माफी ना मांग लें। हमारा यहाँ से बचकर भागना मुश्किल है। हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते हैं तो देखिए श्री राम भक्त हनुमान जी का करिश्मा। यह सुनकर अकबर घबरा गया और तुलसीदास जी से क्षमा मांगने लगा। तुलसीदास जी ने कहा, मैं क्षमा करने वाला कौन हूँ, मैं तो अपने प्रभु का दास हूँ। बाद में अकबर ने तुलसीदास जी को सम्मान उन्हें लाभ लश्कर के साथ मथुरा भिजवा दिया। कहते हैं कि बाद में हनुमान जी ने तुलसीदास के सामने प्रकट होकर कहा, तुमने मेरे प्रति जो स्तुति पढ़ी है वह अद्भुत है। आज के बाद जो भी ये पढ़ेगा और ये बढ़ेगा, मैं उस राम भक्त की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। इस चालीसा को हनुमान चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर ने तुलसीदास जी की उसकी प्रशंसा के में कुछ
ग्रंथ लिखने और चमत्कार दिखाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया था। तब तुलसीदास जी ने अकबर के कारागार में ही हनुमान चालीसा लिखी और उनका निरंतर पाठ किया। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के कई बार पाठ के बाद अकबर के महल परिसर और शहर में अचानक बंदरों ने हमला कर दिया, और जब अकबर को इस बात का पता चला तो तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दे दिया। जय श्री राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हैं, अगर आप भी हनुमान भक्त हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए और उसमें लिखिए जय श्री राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल अध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक जानकारी हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करेंगे। दोस्तों, मैं फिर से मिलूंगी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अध्यात्मिक कहानियाँ।